चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इसरो ने सुबह 6:30 बजे सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा केंद्र से PSLV C-56 का प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट की ये 98वीं उड़ान है। इसकी लॉन्चिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। इसरो की ओर से बताया गया है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। PSLV C-56 ने सभी 7 सैटेलाइट को उनकी कक्षाओं में सटीक रूप से प्रक्षेपित कर दिया है। PSLV C-56 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2 सप्ताह में दूसरा बड़ा मिशन है। आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। भारत ने इससे पहले 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। इस लॉन्चिंग में DSSAR मुख्य सैटेलाइट है, जिसे सिंगापुर के DSTA एंड ST इंजीनियरिंग की तरफ से भेजा गया है, यानी सिंगापुर की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी। एक बार यह सैटेलाइट तैनात हो गया और काम करने लगा तो यह सिंगापुर की सरकार को नक्शे बनाने में मदद करेगा, यानी सैटेलाइट तस्वीरें लेना आसान होगा। ST इंजीनियरिंग इस सैटेलाइट का इस्तेमाल कई तरह की तस्वीरों को खींचने में करेगा, ताकि जियोस्पेशियल सर्विसेज को दिया जा सके, साथ ही कमर्शियल डीलिंग हो सके। DSSAR में सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में दिन हो या रात तस्वीरें लेता रहेगा। यह सैटेलाइट 360 किलोग्राम वजनी, जिसमें PSLV C-56 रॉकेट से अंतरिक्ष के नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में छोड़ेगा। यह करीब 535 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन 5 डिग्री झुकाव के साथ। इसके अलावा 6 और छोटे सैटेलाइट भी जा रहे हैं। ये सभी माइक्रो या नैनो सैटेलाइट्स हैं। 44.4 मीटर लंबा 4 चरण वाला वाहन PSLV C-56 ने 228 टन भार के साथ सार रेंज से प्रथम लॉन्च पैड से उड़ान भरी। इसरो ने बताया कि PSLV C-55 टीलियोस 2 के अप्रैल में हुए सफल प्रक्षेपण के बाद मिशन को अंजाम दिया गया है। इस मिशन से सिंगापुर के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। NP टाइम्स की रिपोर्ट।